हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बैक नेक का एक नया पैटर्न बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये कैनवास पेपर लिया है, ये डबल फोल्ड के रख करके। गले की लंबाई है हमारी 12.5 इंच। और गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। हम इसका एक बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से हमने ये बॉक्स बनाया है। यहाँ से हम 3.5 इंच ऊपर की साइड से लेंगे और बाहर की साइड से हम 1.5 इंच लेते हैं। ऊपर के साइड से भी हम 3 इंच लेंगे और अंदर की साइड से हम 1/2 इंच लेते हैं। हम इसको गले का शेप देंगे। ये बॉक्स है हमारा। तो हम शुरू से हमने ये 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया है और फिर सेंटर से ये पूरा सेंटर से हमने ये बाहर की तरफ निकाला है। इस तरह से हमने ये शेप दिया है। बाहर की साइड से भी हम 1/2 इंच लेते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये गला इस तरह से आएगा। अब इसको कपड़े पर तैयार करते हैं। इसके नाप का हमने ये कपड़ा लिया है। अब कपड़े पर हम इसको तैयार करते हैं। तो पहले यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम 1/2 इंच छोड़ के कपड़े की कटिंग करते हैं। यह गोलाई में हम छोटे छोटे कट लगाते हैं। अब इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
अब इसको आधा इंच छोड़ के अंदर की साइड से हम कट करते हैं। पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। गले का सेंटर पहले निकाला है और ब्लाउज का भी हम सेंटर निकालते हैं। ये हमने सेंटर निकाला है। अब ये इसके ऊपर रख के ये दोनों पॉइंट यहाँ पे यहाँ से मिला के और ये सेंटर सेंटर पे रख के फिर यहाँ से हम साइड से सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप पिनअप भी कर सकते हो। और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। अब इसको अंदर की साइड से आधा इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये गोलाई में हम इसको छोटे छोटे कट लगाते हैं। पहले हम इसको पलटी करते हैं इस तरह से, इसके ऊपर सिलाई आएगी।
गला पलटी करने के बाद हमने इसके ऊपर अब सिलाई लगाई है। पैटर्न बनाने के लिए हमने ये स्क्वायर में कपड़ा लिया है और ये छोटे छोटे पट्टियाँ निकाली है, रेड कलर की और ब्लैक कलर की। ये दोनों रेड और ब्लैक कलर की हमने पट्टियाँ निकाली हैं। तो ये अब इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम पाइपिंग लगाते हैं। अब इसको इस बार फोल्ड करके आपको जितनी चौड़ाई में चाहिए उतनी पाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम ये पट्टी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाते हैं। अब इसको हम इसके ऊपर रख के फिर दूसरी पट्टी तैयार करके यहाँ से भी हम इसको सिलाई लगा के इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। फिर रेड कलर की लेते हैं, इसको भी फोल्ड करके जैसे ये पहले ब्लैक लगाई है तो उसके ऊपर हम ये रेड वाली भी लगाते हैं। तो ये पैटर्न हम तैयार करके लेते हैं। इस तरह से हमने ये पैटर्न तैयार किया है। अब जो साइड का एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट करेंगे। इसका हम सेंटर निकालते हैं। गले का भी हमने सेंटर निकाला था तो ये सेंटर पे इस तरह से रख के यहाँ से ये पूरा बराबर, ये सेंटर से ये पॉइंट भी बराबर आना चाहिए और ये भी बराबर आना चाहिए और ये सेंटर भी सेंटर पे आना चाहिए। तो हम इसके ऊपर अब सिलाई लगाते हैं। हमने ये क्रॉस में पट्टी निकाली है, इसको जॉइन करके इसको इस तरफ से फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। हमने ये डोरी बनाई है उसको सिलाई लगा के फिर उसको हमने पलटी किया है। अब इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं, थोड़ा सा इस साइड से छोड़ के
इसके ऊपर जैसे हमने ये गला बनाया है उसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। साइड में है ये हमने डोरी तैयार की थी ये लगाई है, अब इसके अंदर हम ये पैटर्न तैयार करते हैं। ये दोनों सेंटर वगैरह सब देख के फिर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये बैक नेक पैटर्न तैयार हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे डोरी लगा के लटकन भी लगा सकते हो।